अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, केम छो, केम ना छो, बखैर आ गए, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट शेख उस्मान, और मेरे साथ मौजूद हैं मोबी होगी और अजय हमजा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक फिट फाट होंगे। ओके, तो दोस्तों जो आज की वीडियो है ये ना तो किसी सब्सक्राइबर की डिमांड है, ना तो मोबी होगी की डिमांड है, ना ही मेरी डिमांड है। ये डिमांड है भाईजन इसकी, ठीक है। ये भाईजन ने रोला डाला हुआ था यार, अच्छा ये भाईजान ने रोला डाला हुआ था कि जो भी है ठीक है, एक फनी वीडियो आज इनकी मर्जी पे की जाए, तो सिर्फ ये इनके नाम पे कि भाईजान मुंह ना बनाए। अभी अभी लाहौर से आया, पता नहीं क्यों बड़ा चिलचिला सा होया भाई, अब इज्जत रख लेना भाई की यार। ओके, तो दोस्तों तो बगैर आप लोगों के टाइम से किए चले चलते हैं आज की ये वीडियो देखते हैं, और देखते हैं जो इन्होंने वीडियो डिसाइड की है वो मुझे कितना आसान पाती है। तो वीडियो का जो नाम है वो है फेक गन प्रैंक ऑन गर्ल्स पार्ट 3 है, ठीक है। तो ये जो भी इसका चैनल का जो भी भाई है ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, ठीक है। तो प्लीज जाके इनका चैनल लाजमी चेक कीजिएगा। तो ये पार्ट 3 बना रहे हैं फेक गन प्रैंक का, मतलब कि काफी अच्छी इनकी वीडियोज होंगी। तो बगैर आप लोगों के टाइम से किए चले चलते हैं वीडियो देखते हैं, और देखते हैं क्या है इस वीडियो में जो, और कितना ही हमें आसान पाती है। Here we go. सिंह
यार मैं फैन हो गया इस बंदे का यार, मैं उसकी एक्टिंग चेक कर। What the fuck? Sorry, prank again.
लंबी थी बेशक, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है यार। मैं कहूंगा बाकी तूने बहुत अच्छी वीडियो चूज की है। थैंक यू। ठीक है, तो अब मुझे ये भी लगे आप बता दो, इससे पहले ये वीडियो देखी हुई थी? नहीं। बस ठीक है, आज थोड़ी सी देखी थी, थोड़ी सी नहीं देखी थी, एंड से नहीं देखी थी, पहले स्टार्ट में देखी है। ठीक है, तो मतलब रिएक्शन ठीक हुआ। बताओ क्या चीज इसमें सबसे ज्यादा अच्छी लगी? मुझे इसमें वो जहाँ पे ऑटो पे ऑटो रिक्शे में बैठ के वो नहीं मिला रहे थे टिकटॉक, उस लड़के का हाल देखा, वो बोल रहे हैं तो दूसरा, अच्छा एक टांग वो आपने चाय नहीं दिया, एक टांग यूं पीछे भी वो कहा है तो बाहर भी निकला, क्यों बाहर गया फिर पीछे कहा वो चीज बहुत कमाल थी। और दूसरा सिंह मुझे वो अच्छा लगा जब उसने गाड़ी में गन यूं इस तरह की, गन गाड़ी के अंदर तीन लड़के भाग गए, पीछे गाड़ी में जा रही है और गाड़ी आगे के लिए पीछे लेके जा रहा है यार, ये काफी मजा आया देखने को। तो आप पूछते हैं अपने भाई मोबी हो किसे की इनको क्या चीज इसमें अच्छी फनी लगी है? सबसे पहले तो मुझे वाला सीन अच्छा लगा, वो लड़की वाला सॉरी 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 सॉरी, पहले बड़े मतलब ना उज्जवल बात कही थी कि नहीं देना वो नहीं देना, जिस हमने गन निकाली सॉरी भाई सॉरी, वो उसने जो गन निकाली मोबाइल पर सब एक स्कूटर तक छोड़ दिया उसने, एक और जी दावे नोट की मैं घर से ले गया आ रहा हूं पैसे, वो तो गाड़ी वाले का सीन था, वो तो बहुत आउट क्लास था, वो बिल्कुल आउट क्लास था कि घर से पैसे लेकर आ रहा। मुझे तो ये सीन बहुत पसंद आया। आप उस्मान भाई से पूछते हैं कि आपको कैसे लगे वीडियो? यार सबसे पहले ये जो बंदा था ना इसके लिए ये तो काफी बड़ा थैंक्स आ रहा है। ठीक है, मुझे बहुत पसंद आया भाई, लव यू के बहुत आउट क्लास वीडियो बनाई। और दूसरा यार तुम्हें इन प्रैंक्स में नहीं होना चाहिए, तुम हॉलीवुड या बॉलीवुड में अप्लाई करो, एक्टिंग बहुत अच्छी करता है। और देखिए वो कहता है तो बहुत फनी वीडियो थी, बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, सीन्स की बात की जाए लड़की वाला सीन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था। ठीक है यार, बहुत डर गई थी वो बेचारी जब उसने गन निकाली, दो दो गने बंदा यार एक गन से डर जाता है, इसने दो दो गन डाल। ठीक है, तो जो सुरक्षा गाड़ी वाला बंदा था, तेरे जैसे तो मेरे घर खेल रहे हैं, तेरे जैसे बड़े आए बड़े गए, मैं जेब में लेके फेर रहा हूँ। ठीक है यार, ऐसी ऐसी वो बोलियां बोले तो उसके बाद भागा वो कैसे? मैं हूं ना आगे, ठीक है तो मुझे कोई ऐसा करे कसम ले लो, ठीक है उसके सिर पे कोई बट्टा मारू या उसकी गन उसी के मुंह पे मारू और गाड़ी का पहला गियर लगा के कुछ ना देखूं भाई बगा दूं, ये मम्मा जानू पीछे गाड़ी लेके जा रही। ठीक है, बड़ी अजीब सी चीज लगी यार, तूने भागने तो आगे भाग तो पीछे किधर भाग रहा है? हाँ। उस सिचुएशन में बंदा ना थोड़ा सा परेशान हो जाता है, कुछ समझ नहीं आती आगे करे पीछे। बिल्कुल, तो बहुत ज्यादा फनी थी मेरे भाई वीडियो, बहुत मुझे पसंद आई, शुक्रिया आपका। और भाई आपको एक चीज मैं कह रहा हूं, जैसे ये बोल रहे हैं ना कि उठा के पत्थर मारो, जब वो गन सामने आती है तो मौका नहीं मिलता, इसमें भाग जाना और दे देने की समझदारी होती है। बिल्कुल बात ठीक है, जान से बढ़ के कुछ अल्ला, भी नहीं है। हाँ, अल्लाह ना ही ऐसा किसी पे मौका है, ये तो चलो एज ए सीन एज ए फनी उन्होंने प्रैंक किया, लेकिन यार एक और चीज ये लाइफ में ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, और ये एक और चीज यार भाई, जो भी आप हो सॉरी मुझे आपका नाम भूल गया, आपने वीडियो में बताया सॉरी फिर भी मुझे भूल गया, कोशिश किया करो कि किसी अब प्रैंक ये आपने सब जवान बंदों पे किया तकरीबन, कोई एक वो अंकल वो वाले बूढ़े थे जो रेड गाड़ी वाले थे उनकी थोड़ी सी ज्यादा लग रही थी, उसके अलावा कोई नहीं। आगे से ये प्रैंक सिर्फ यंगस्टर के ऊपर करना, क्योंकि अगर कोई दिल का मरीज हुआ ना वो आपके पेटे पड़ जाना भाई। ठीक है, तो बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत पसंद आई, बहुत ज्यादा हंसाया आपने मुझे, मैं आपको कहता हूँ बहुत अच्छी आपने वीडियो बनाई है। तो प्लीज फिर दोबारा बुजुर्गों पर ये प्लीज प्रैंक ना करना,
तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस साइड पे एक लाइक का बटन आ रहा होगा, प्लीज उसको लास्ट में टच कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस साइड पे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक कीजिएगा, उसके साथ पहले आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आप तक पहुंचे। और कमेंट में हमें बताइएगा कौन सा सीन आपको अच्छा लगा, और अगर आपकी कोई डिमांड है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और यार प्लीज यार मुझे इस तरह की फनी वीडियो लाजमी दिया करो, मुझे बहुत पसंद आई है। इसकी डिमांड थी, हालांकि मैं मूड नहीं था कि मुझे सोचा था कि इसको वीडियो की, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी वीडियो थी। ओके तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात करेंगे, तब तक मुझे हमें दोस्तों की इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।